ओके वेलकम टू द चैनल कॉमर्स वाले, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को समझा था। एक फॉर्मेट और समझना है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे वेरियस क्वेश्चन को कि जितने भी पार्ट हैं, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कैसे होंगे। उसके पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है उसका फॉर्मेट क्या था। पिछले वीडियो में हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल बेसिकली उसका फॉर्मेट को ही समझाया था हमने, कौन सी चीजें डेबिट होंगी, कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी, उनके रीजन क्या है और पूरा फॉर्मेट। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम कैपिटल अकाउंट को समझेंगे। सो रिकॉल करते हैं, वहां पे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे? जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे तो हम सोच रहे थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। फर्म के लिए जो लॉस था वो सारा डेबिट हो रहा था, चाहे वो सैलरी था, चाहे वो कमीशन था, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनकम था वो सारा क्रेडिट हो रहा था। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो उसको देखने के बाद इसे देखिए, ज्यादा इफेक्टिव होगा। शुरू करते हैं। ओके, सो हम यहां कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली दोनों का नेचर सिमिलर है, कुछ एक माइनर डिफरेंस है जो आपको बता दूंगा मैं आपको। ओके, शुरू करते हैं। पहला आप देख सकते हैं पर्टिकुलर हम और जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम, और फिर पर्टिकुलर और फिर पार्टनर्स के नाम को लिखा जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो लेजर का फॉर्मेट था वो लेजर के फॉर्मेट के, ये जो नाम वाले कॉलम आप देख रहे हैं एक्स और वाई करके, ये कॉलम्स को हम बेसिकली जितने भी हैं उतने बढ़ा सकते हैं। अगर सिंगल पार्टनर है तो एक कॉलम रहने देते हैं, तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम, चार पार्टनर है तो चार कॉलम, यानी ये अमाउंट वाला कॉलम बढ़ सकता है। पर्टिकुलर अमाउंट मतलब जितने पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा हम बेसिकली कैपिटल सॉरी अमाउंट के कॉलम्स बना सकते हैं। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमारी जो बेसिक जनरल गाइडलाइन है वो क्या है वो सुनिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिक गाइडलाइन है जो हम अपने आप से भी डिराइव कर सकते हैं। अलग अलग अकाउंटेंट, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग थियोरी होता है, कन्वेंशन होता है बिलीव करने के लिए। हमारा बिलीव क्या है, थिंक फ्रॉम द पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसके हिसाब से सोचिए, जब भी आप बनाएंगे तो ये सोचिए कि ये पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है या पार्टनर के लिए लॉस है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। दूसरा, अब पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, व्हाट पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट, जो पार्टनर को चाहिए विल बी क्रेडिटेड। अब पार्टनर को क्या क्या मिलता है, व्हाट पार्टनर एंटाइटल्ड टू गेट, पार्टनर को क्या क्या मिलता है, उनका बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अगर मिल रहा है तो, कमीशन अगर मिल रहा है तो, अगर प्रॉफिट हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन पे तो ये सारा क्रेडिट होगा। एंड व्हाट लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग, इफ देयर इज एनी ड्रॉइंग, इफ देयर इज एनी एक्सपेंसेस, इफ देयर इज एनी लॉस विल बी डेबिटेड। अगर ऐसा कुछ है तो वो डेबिट होता है। आते हैं पहली चीज जो हमें लिखनी होती है वो होता था बाई बैलेंस बीडी। अब इसमें अमाउंट कौन सा आता है, इसमें वही अमाउंट आता है जो आपके बैलेंस शीट में बाई बैलेंस बीडी में, वो अमाउंट आता है जो आपके बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल लिख के दिया गया है, यानी व्हाट पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फर्म, वो पहली चीज होती है जो पार्टनर एंटाइटल करते हैं लेने के लिए। व्हाट पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर बाई बैलेंस बीडी, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पिछले फॉर्मेट में पढ़ा था कि इफ वी इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू द फर्म, वी आर, इफ द फर्म इज प्रोवाइडिंग, इफ इट इज मेंशन इन द डील, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ इंटरेस्ट, फॉर द फर्म इट इज एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई वो डेबिट हुआ था किसमें, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्रेडिट होगा, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, मैंने रीजन बता दिया कि आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, सो आपके लिए प्रॉफिट है। एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट ऑल द प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड, जितने प्रॉफिट होते हैं क्रेडिट होते हैं। मान लो दोनों को मिला एनीथिंग, हमने क्रेडिट कर दिया। फिर आता है सैलरी, सैलरी कई बार लिखा होता है ओनली वाई इज एंटाइटल टू गेट सैलरी, कई बार लिखा रहता है ओनली एक्स इज एंटाइटल टू गेट सैलरी, कई बार लिखा होता है बोथ पार्टनर आर एंटाइटल टू गेट सैलरी। सैलरी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस था,
यानी डेबिट जाता था, पर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी पार्टनर के लिए बेसिकली प्रॉफिट है और फिर वो क्रेडिट साइड जाएगा। अगर दोनों में है तो दोनों को जाएगा, सिंगल में है तो सिंगल को जाएगा। व्हाट सो एवर मेंशन इन द क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो दिस। ओके, कैलकुलेशन पार्ट हम जब क्वेश्चन बना रहे होंगे कि मंथली सैलरी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअली सैलरी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयरली सैलरी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन आपको ही पता है कि आज के डेट में मैनेजर्स को, सेल्समैन को, पार्टनर्स को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट भी हो सकता है, तो पार्टनर को कई बार कमीशन भी मिलता है। कमीशन किसके लिए? अगर वो वर्किंग है तो, काम करता है तो कई बार उसे कमीशन भी मिलता है। सो हम कमीशन, इसका भी कैलकुलेशन होता है। कई बार नेट सेल्स पे कमीशन दिया जाता है, कई बार प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाता है। आपने आफ्टर एंड बिफोर वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, क्यों नीचे 105 हो जाता है, मतलब 100 में परसेंटेज नीचे ऐड क्यों हो जाते हैं। यहां इतना समझ लीजिए कि इफ देयर इज अ कमीशन रिसीव बाय द पार्टनर इट इज अ इनकम एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड हियर। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, जो आप बाय नेट प्रॉफिट ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह माइनस करने के बाद सैलरी कमीशन एंड ऑल माइनस करने के बाद व्हाटएवर द रेसिड्यू प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपका जो हो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा क्रेडिट पार्ट है। कई बार इसमें जनरल रिजर्व भी आ जाया करता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, अगर पार्टनर रिकंस्टिट्यूट कर रहा है फॉर्म को। तो यहां देखिए, अगर प्रॉफिट ना होके लॉस हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन पे तो ऑब्वियसली लॉस है, तो मेरे लिए भी लॉस है, बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, आई एम द ऑनर ऑफ द फर्म, और वो मेरे लिए लॉस है, तो वो लॉस जो है वो यहां पे डेबिट हो गया है। उसके बाद आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मैंने यहां पर क्लियर मेंशन किया था, लॉसेस एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग्स। पार्टनर अगर पर्सनल एक्सपेंसेस लिए, इफ एनी पार्टनर इज ड्रॉइंग एनीथिंग फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस वेदर इट्स अ कैश और काइंड लेके जाता है तो इट विल बी डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये मान लेंगे कि उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम जब पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, व्हेन वी आर मेकिंग पीएल एप्रोप्रिएशन एट दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम्स टू द क्रेडिट साइड, बट नाउ इट विल कम टू द डेबिट साइड। व्हाई दैट टाइम क्रेडिट साइड? बिकॉज समवन विड्रॉड फ्रॉम द फर्म एंड नाउ वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट एज अ फर्म। सो फॉर द फर्म इट्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन इट्स अ बेसिकली अ लॉस और एक्सपेंसेस, सो इट्स विल बी डेबिटेड। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट। Whatsoever side will be maximum will be recorded both side as balance. We are doing it since class 11. आपको अपना final account याद हो तो whatsoever side is maximum we are recording basically on the both side. Is that clear? Now come to the last part. If debit side exceed credit side, if the total of debit side of a particular column exceed credit side, then it will be by balance CD and will be rated out. Same in a favorable scenario, if the total of credit, suppose ye nahi hai, if the total of credit exceed debit side, then it will be to balance CD. So this one is the total format. Means we have to think from the partner's point of view. We have to credit what partner is entitled to get, whether it's a balance, interest on capital, salary, commission, profit and loss, appropriation, profit ka balance. And what losses, expenses and drawing. Profit and loss is a loss, drawing is a drawing, and interest on drawing is a expenses. Will be debited. Agar credit jaana hota hai, to hum achhe position mein, kyunki hamari income jaa raha hai. Aur two balance CD, isko total karne ke baad, iske total se minus karenge. Whatsoever amount is left, it's a two balance CD.
सेम चीज इफ डेबिट एक्सीड क्रेडिट, अगर डेबिट ज्यादा हो जाता है देन इट विल कम टू द बाई बैलेंस सीट. होप यू लाइक इट. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस.